बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो 8 हमारे साथ है, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर, वेक्टर हमारे साथ है अंडर रूट 2i प्लस जे प्लस के मेक्स विद द वाई एक्सिस। मतलब इसका आवर y एक्सिस का कोसाइन एंगल मालूम कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ इसको फर्ज करें हम a का नाम देते हैं, ठीक है, लेट, या इसको हम u का नाम देते हैं, लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट 2i प्लस j प्लस k। ठीक है, और दूसरा वेक्टर y एक्सिस वाला, इसको मैं v का नाम देता हूँ, तो वो हमारे साथ होगा 0i प्लस bj प्लस 0z। ठीक है, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे हमारे साथ बी होगा। ठीक है, एक्स पी जीरो होगा और जेड पी जीरो, एक्स एक्सिस पे हमारे साथ वाई और जेड जीरो होगा, वाई एक्सिस पे हमारे साथ एक्स और जेड जीरो होगा, और जेड एक्सिस पे हमारे साथ एक्स और वाई जीरो होगा। तो इसका कोसाइन मालूम कर लो। ठीक है, तो हमें पता है कि यू डॉट, मतलब इसका कॉस थीटा मालूम कर लो, यू डॉट वी इज इक्वल टू यू वी कॉस थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइड बाय u v, u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो cos थीटा हमारे साथ बराबर होगा, u हमारे साथ बराबर है अंडर रूट 2i प्लस j प्लस k, और डॉट v हमारे साथ है 0i प्लस bj प्लस जीरो जीरो के, जीरो जेड नहीं जीरो के है। ठीक है, जीरो के डिवाइड बाय अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर द रूट इन टू वी का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड हमारे साथ है बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा हमारे साथ बराबर होगा अंडर रूट टू आई मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो इससे हमारे साथ जीरो आता है। ठीक है, जे मल्टीप्लाई बाई बी जे, तब इससे हमारे साथ बी आ जाएगा, और के मल्टीप्लाई बाई जीरो के से हमारे साथ जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे साथ बी डिवाइड बाई अंडर रूट टू स्क्वायर, हमारे साथ टू आता है, इससे वन और इससे वन, तो ये हमारे साथ आ जाएगा फोर, टू प्लस वन प्लस वन अंडर रूट फोर इन टू अंडर रूट बी स्क्वायर से हमारे साथ बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी भी खत्म, तो cos थीटा हमारे साथ बराबर होगा वन डिवाइड बाय। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हमारे साथ ये था कि व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल, तो कोसाइन ऑफ द एंगल हमारे साथ बराबर है वन डिवाइड बाय टू का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो 9 हमारे साथ है, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू, हमें फोर्स गिवन है 2i प्लस 3j प्लस k, अवर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 2i प्लस, सॉरी 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, फाइंड द वर्क डन, w मालूम कर ले। ठीक है, तो w हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि वर्क हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, विच इज एफ डॉट एस है, विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, या डायरेक्टली हम एफ डॉट एस ही, इधर हमारे एफ और एस के वन है, तो इसकी दोनों के प्रोडक्ट से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो W हमारे साथ एफ डॉट हमारे साथ बराबर है 2i प्लस 3j प्लस k इन टू 2i प्लस j माइनस के। ठीक है, तो w इज इक्वल टू i डॉट i वन आता है तो टू टू जार फोर, j डॉट j वन आता है तो थ्री वन जार थ्री, और k डॉट k वन आता है प्लस वन माइनस वन जार माइनस वन, तो w हमारे साथ आ जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन माइनस वन सिक्स। ठीक है, यूनिट हमारे साथ जो जो भी हो सकता है सिक्स, उसका कोई यूनिट होगा। ठीक है,
तो हमारे साथ वर्क डन मालूम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, तो 10 हमारे साथ है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। F हमारे साथ बराबर है 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस 3j प्लस k, ये हमारे साथ फोर्स है, ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया पॉइंट ए से बी तक, ए हमारे साथ है -212 और बी हमारे साथ है 503। अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वर्क डन मालूम करते हैं। पहले हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर होगा बी माइनस ए का इज इक्वल टू 5 माइनस ए, तो माइनस टू है, 0 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ आ जाएगा 5 माइनस माइनस 2 तो 5 प्लस 2 7, तो 7 अलॉन्ग x एक्सिस तो 7 आ जाएगा, माइनस जे और प्लस के 3 माइनस 2 से 1 आता है, ठीक है। तो अब हम वर्क मालूम कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ ओ डॉट प्रोडक्ट डी, तो एफ हमारे साथ है 2i प्लस 3j प्लस के डॉट 7i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो w इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 i डॉट i 1, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 3 जे डॉट जे हमारे साथ जे है, ठीक है। और k डॉट k हमारे साथ 1 आता है, तो w हमारे साथ आएगा 14 प्लस 1 15, 15 माइनस 3 12 और इसका कोई यूनिट होगा, ठीक है। तो हमारे साथ w मालूम हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ साथ मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं, तो 11 हमारे साथ है, शो दैट द वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k, 11 में हमारे साथ पार्ट 1 है, शो दैट द वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k, एंड दूसरा वेक्टर हमारे साथ है i माइनस 3j प्लस 5k, i माइनस 3j प्लस 5k, और तीसरा वेक्टर हमारे साथ है 2i प्लस j माइनस 4k, 2i प्लस j माइनस 4k। फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, आप साबित कर ले कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ लेट a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k, b हमारे साथ है i माइनस 3j प्लस 5k, और c इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 4k, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ हम साबित करते हैं कि ये ट्राइंगल है कि नहीं, ठीक है। जब ये ट्राइंगल हो पार ए ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल हो पार ए ट्राइंगल, हमारे साथ इसमें दो का सम तीसरे के बराबर होगा, मतलब a प्लस बी हमारे साथ c के बराबर होगा, इसी तरह b प्लस c हमारे साथ a के बराबर होगा, इसी तरह c प्लस a हमारे साथ b के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशन उबे हो तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ ट्राइंगल होगा। फिर हम इसमें दो का प्रोडक्ट, इसमें a या c, a और c का या a और b का डॉट प्रोडक्ट या b और c का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो, इसका मतलब ये है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। पहले हम चेक करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, हम इस पर ट्राई करते हैं कि आया ये ला ओबे करता है कि नहीं, ठीक है। तो a प्लस बी हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए हमारे साथ है 3i हमारे साथ है 3i माइनस 2j प्लस k, 3i
हम चेक करते कि बी प्लस सी हमारे साथ बी प्लस सी हमारे साथ ए के बराबर है कि नहीं, ठीक है ये बात, ठीक है। तो बी हमारे साथ है, दो का सम हमारे साथ तीसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे साथ बी हमारे साथ है आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, ठीक है। और प्लस सी हमारे साथ है टू आई प्लस जे माइनस फोर के, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, बी प्लस सी है, ठीक है। तो बी प्लस सी हमारे साथ बराबर है आई प्लस टू आई हमारे साथ बराबर है थ्री आई का, इस तरह माइनस थ्री जे प्लस जे हमारे साथ बराबर है माइनस टू जे का, और इस तरह फाइव के माइनस फोर के बराबर है के का, विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो एज बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, सो इट इज ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इट इज ए ट्राइंगल, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम दो का प्रोडक्ट, पर इसके लिए हम ए और सी चेक करते हैं, ए और सी, ठीक है। तो ए डॉट सी हम मालूम करते हैं, अगर इसका प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए हमारे साथ है थ्री आई, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के डॉट, सी हमारे साथ है टू आई प्लस जे माइनस फोर के। तो ए डॉट सी हमारे साथ थ्री टू जार सिक्स, आई डॉट आई वन माइनस टू वन जार टू और माइनस फोर वन जार माइनस फोर, ठीक है। तो ए डॉट सी हमारे साथ बराबर है सिक्स माइनस सिक्स जीरो का, ठीक है। तो एस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, सो ए इज परपेंडिकुलर टू सी, इट मीन्स दैट सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फर्ज करें आपने पहले ए डॉट बी मालूम किया, वो जीरो नहीं आए, तो फिर आप बी डॉट सी इस तरह ए डॉट सी स्टार्ट ट्राई कर ले, ठीक है। तो इसमें ए का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें बी प्लस सी हमारे साथ ए के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह ए डॉट सी हमारे साथ जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल भी है और डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है दो वेक्टर का, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारे साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। तो पार्ट वन हमारे साथ सॉल्व है। अब हम 11 क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट नंबर टू सॉल्व करते हैं। तो पार्ट टू हमारे साथ है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स, हमें तीन पॉइंट गिवन है, फॉर्म ए राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो पॉइंट पी हमें गिवन है 101, आर हमें गिवन है 110 और क्यू हमें गिवन है 111, ठीक है। आप साबित कर ले कि ये हमारे साथ राइट आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, राइट आइसोसेलेसिस इसका मतलब ये है कि ये दो आइसोसेलेस वो ट्राइंगल तो जिसके दो साइड बराबर हो, ठीक है। और राइट मतलब कि इसमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसमें पहले मैं वेक्टर मालूम करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू आर माइनस पी। तो आर माइनस पी मैं किस तरह मालूम करूंगा, आर से पी माइनस करता हूँ, तो वन माइनस वन, वन माइनस जीरो और जीरो माइनस वन, ठीक है। तो ए हमारे साथ आ जाएगा वन माइनस वन जीरो, खत्म वन माइनस जीरो, तो ए हमारे साथ जे है, जे आ जाएगा और माइनस के, वेक्टर ए हमारे साथ जे माइनस के आ गया। अब वेक्टर बी मालूम करते हैं, तो वेक्टर बी हमारे साथ आर क्यू है, तो आर क्यू हमारे साथ बराबर है क्यू माइनस आर का, ठीक है। तो क्यू क्यू माइनस आर हमारे साथ है वन माइनस वन, वन वन माइनस वन, इस तरह वन माइनस वन और इसी तरह वन माइनस जीरो, तो ये हमारे साथ वन आ जाएगा, ठीक है। तो बी हमारे साथ आ जाएगा, ये भी जीरो, सिर्फ के आ जाएगा, बी हमारे साथ सिर्फ के का बराबर। इस तरह वेक्टर सी हम मालूम करते हैं,
तो वेक्टर सी हमारे साथ बराबर होगा क्यू पी का, ठीक है, पी आर आर के और क्यू पी, तो क्यू पी हमारे साथ बराबर होगा पी माइनस क्यू का। तो पी पॉइंट हमारे साथ है पी माइनस क्यू, मतलब 1-1, 0-1 और 1-1, तो सी वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा 0 0, इतनी जरूरत नहीं, ये -1 और ये भी 0, मतलब इससे हमारे साथ माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें इसमें दो साइड मालूम करते हैं, अगर दो साइड का पहले हम साबित करते हैं कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, हम साबित कर सकते हैं कि हमारे साथ ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरा हम ये मालूम करना, दूसरा हम इसमें किसी दो का प्रोडक्ट हम मालूम करते हैं, अगर किसी भी दो का प्रोडक्ट हमारे साथ जीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर हम इसके लेंथ मालूम करेंगे, तो पहले मैं ए डॉट सी मालूम करता हूँ, ए डॉट सी में ट्राई करता हूँ, या मैं ए डॉट बी मालूम करता हूँ, ठीक है। तो ए डॉट बी मेरे साथ, ए डॉट बी मेरे साथ आता है जे माइनस के डॉट के, जे माइनस के डॉट के, ठीक है। तो इससे हमारे साथ ये तो जीरो आता है, हमारे साथ माइनस वन आता है, ये तो जीरो नहीं आता है, ठीक है। इस तरह मैं बी डॉट सी ट्राई करता हूँ, ठीक है, बी डॉट सी, तो बी डॉट सी मेरे साथ आता है, बी हमारे साथ है के डॉट माइनस जे, ठीक है, तो इसी मेरे साथ जीरो आता है, ठीक है। तो एस बी डॉट सी एस जीरो, सो बी एस परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब हम इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब हम इसकी लेंथ मालूम करते हैं, आइसोसेलेस का मतलब जिसमें दो साइड बराबर हो, तो मैं ए का लेंथ मालूम करता हूँ, बी का लेंथ मालूम करता हूँ और सी का लेंथ मालूम करता हूँ, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड मेरे साथ बराबर होगा 1² + -1² 1² + -1² तो मेरे साथ आता है √2। बी का मैग्नीट्यूड मैं मालूम करता हूँ, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे साथ आएगा 1² √√1। सी का मैग्नीट्यूड में मालूम करता हूँ लेंथ, तो -1² √√1, ठीक है। तो एस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, सो इट इज एन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारे साथ दो बी और सी का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, इसका मतलब बी और सी परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। और तीसरा हमारे साथ, दूसरा हमारे साथ दो साइड बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 11 साल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ है, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक है। हमारे साथ एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, आप साबित कर लें कि इसमें कोई जो एंगल बनता है, एंगल इधर में इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए का नाम देता हूं, इसमें जो एंगल बनता है आप साबित कर लें कि हमारे साथ 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हमारे साथ ये इसका सेंटर है, सेंटर को मैं ओ का नाम देता हूँ, ठीक है, ये इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को बी को बी का नाम, और इस पॉइंट को मैं सी का नाम, ठीक है। साबित करना है कि ये ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ठीक है, एक सेमी सर्कल है, इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसमें मैंने एंगल बना लिया, इस पॉइंट को एक एंड के साथ और दूसरी एंड के साथ मिला लिया, तो अब साबित करना है कि ये एंगल हमारे साथ 90 डिग्री एंगल के 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। मतलब हम ये साबित करना है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू
AC, ठीक है, कि AB और AC एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमारे साथ ये भी रेडियस है। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूं लेट लेट OA इज इक्वल टू OA को मैं वेक्टर A का नाम देता हूं। ठीक है, इस तरह OB को मैं वेक्टर B का नाम देता हूं। ठीक है, इस तरह OC को मैं वेक्टर C का नाम देता हूं। ठीक है, बाय हेड टू टेल रूल्स हमारे साथ एक ट्रायंगल ये बन गया, हमारे साथ एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल हमारे साथ ये बन गया। ठीक है, तो बाय हेड टू टेल रूल्स हमारे साथ ए बी हमारे साथ बराबर है BO + OA। ठीक है, ये हमारे साथ इसका सम है बाय हेड टू टेल रूल हमारे साथ ए बी बराबर है BO + OA। ठीक है, अब हमारे साथ इधर मैंने लिखा कि ओ भी हमारे साथ बी के बराबर है। ठीक है, इधर मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर है, ये ओ भी हमारे साथ बी के बराबर है और इधर हमारे साथ बी ओ आ गया, तो इसको मैं -BO लिख सकता हूँ, -BO और प्लस OA मेरे साथ A के बराबर है। ठीक है, तो ए बी मैं लिख सकता हूँ -B प्लस और OA बराबर है A का। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकता हूँ AB = A - B। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ ये AC हमारे साथ बराबर है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो CO + OA हमारे साथ बराबर है AC का अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल या बाय हेड टू टेल रूल हमारे साथ AC बराबर है CO + OA का, CO + OA। ठीक है, तो AC हमारे साथ बराबर है, CO हमारे साथ है, CO की जगह चूंकि मेरे साथ OC C के बराबर है तो CO, अगर मैं OC लिखता हूँ तो -OC हो जाएगा, -OC + OA। ठीक है, तो AC हमारे साथ आ जाएगा -C + A या AC हमारे साथ आ जाएगा A - C। ठीक है, तो अब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट मालूम करता हूँ, AB · AC। ठीक है, तो AB · AC मेरे साथ बराबर होगा AB - AC, AB A - B · A - C। ठीक है, तो AB · AC मेरे साथ बराबर होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो A डॉट A हो जाएगा, मतलब ये मेरे साथ A² हो जाएगा, A और A को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसी तरह ये मेरे साथ B और A को मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे साथ B · A, तो ये मेरे साथ BA हो जाएगा। इस तरह अगर मैं B और C को मल्टीप्लाई कर लो तो ये मेरे साथ BC आ जाएगा। इस तरह A तरतीब से करता हूँ, A और A को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ फिर A और C को, ये मेरे साथ -AC आ जाएगा, फिर B और A को तो -AB आ जाएगा, फिर B और C को तो +BC आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ये BO मेरे साथ किसके बराबर है, OB मेरे साथ B के बराबर है और CO मेरे साथ C के बराबर है। ठीक है, तो AB · AC पढ़ कर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो AB · AC मेरे साथ आ जाएगा A²। ठीक है, अब C मेरे साथ -B के बराबर है, C और B को अगर हम देख लें तो दोनों हमारे साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो C की जगह मैं -B पुट कर सकता हूँ। इधर आप लोग देखें C भी रेडियस है और B भी रेडियस है और C भी रेडियस है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि C = -B,
तो इधर मैं सी की जगह माइनस बी पुट कर सकता हूँ, माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस ए बी और प्लस बी इंटू सी की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस बी, सी की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस बी, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी डॉट ए सी, ठीक है, तो ए बी डॉट ए सी हमारे साथ बराबर है ए स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गई और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और एस ए इज इक्वल टू बी, तो ए की जगह बी की जगह मैं ए पुट कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे साथ माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी डॉट ए सी हमारे साथ आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर है बी और ए, ठीक है, दोनों रेडियस है, ठीक है, तो इसलिए बी की जगह मैं ए स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, तो ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू जीरो, एस ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू जीरो, सो ए बी इज अ परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ये ए बी और ए सी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, सो द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सो द एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट, ठीक है, हमारे साथ एक ट्रायंगल है और इसकी परपेंडिकुलर है साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इसके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, इसको मैं बी का नाम देता हूँ, इसको मैं सी का नाम देता हूँ, ठीक है, तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं डी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि इसके इस ए बी साइड के मेट से और इस पर बिल्कुल राइट एंगल बनाता हूँ, ठीक है, इसी तरह एग्जैक्टली राइट एंगल भी बनाता हूँ और इसके सेंटर से भी पास होता हूँ, ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, इस पॉइंट को मैं डी का नाम देता हूँ, ठीक है, इस तरह मैं बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, तो इसका मिड पॉइंट और इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ठीक है, इस तरह सी ए जो मिड पॉइंट इसको मैं एफ का नाम देता हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे साथ ई हो गया डी ई एफ, ठीक है, लेटर ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है, अब साबित क्या करना है, टू प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम जो कंकरेंट पॉइंट है इसको हम ओ का नाम देते हैं, ठीक है, फर्ज करें ओ ए, लेट ओ ए इज इक्वल टू, लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ ए को हम ए का नाम देते हैं, ओ बी को हम बी का नाम देते हैं, ओ बी इज इक्वल टू बी और ओ सी इज इक्वल टू सी, ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जो ओ डी है ओ डी, ठीक है, ये ओ ए हमारे साथ ए के बराबर है और ओ बी हमारे साथ बी बराबर है, तो ओ डी हम मेट पॉइंट फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, मेट पॉइंट फार्मूले के मुताबिक हमारे साथ ओ डी बराबर होगा ओ ए प्लस ओ बी डिवाइड बाई टू, तो ओ ए हमारे साथ ए है और ओ बी हमारे साथ बी है, तो ओ डी ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, इस तरह हम ओ ई भी मालूम कर सकते हैं, ओ ई हमारे साथ बराबर होगा ओ ई, ओ ई हमारे साथ ए है तो ओ बी प्लस ओ सी डिवाइड बाई टू, तो ओ बी हमारे साथ बी है और ओ सी हमारे साथ सी है डिवाइड बाई टू, ठीक है, इस तरह हमारे साथ ए बी हमारे साथ बराबर होगा बी माइनस ए का, और इस तरह बी सी हमारे साथ बराबर होगा
सी माइनस बी का, ठीक है। इस तरह अगर हम सी ए मालूम करते हैं तो सी ए हमारे साथ बराबर होगा ए माइनस सी का, ठीक है। अब हम ओ डी और ए बी, क्योंकि ये ओ डी हमारे साथ ए बी पे परपेंडिकुलर है, एस ओ डी एस परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो ओ डी डॉट प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ओ डी हमारे साथ बराबर है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू का, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू डॉट, और ए बी हमारे साथ बराबर है बी माइनस ए का इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाई टू कर लें, मल्टीप्लाई बाई टू, तो टू खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ए को हम बी से मल्टीप्लाई करते थे ए बी, ए को हम माइनस ए से मल्टीप्लाई करते थे माइनस ए स्क्वायर, इस तरह बी को हम बी से मल्टीप्लाई करते थे बी स्क्वायर, और बी को हम माइनस ए से मल्टीप्लाई करते थे माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो ए बी खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब हमारे साथ हम दूसरा ओ ई हमारे साथ परपेंडिकुलर है सी डी पर, एज ओ ई एज अ परपेंडिकुलर ऑन सी बी, सो ओ ई डॉट सी बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो ओ ई हमारे साथ बराबर है बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, और सी बी हमारे साथ बराबर है बी माइनस सी का, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई बाई टू तो ये टू खत्म हो जाएगा, तो बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बी को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी सी, बी को सी सी तो माइनस बी सी, सी को बी सी तो प्लस बी सी, और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे साथ ये इक्वेशन नंबर सेकंड वन, ठीक है। अब हम इक्वेशन वन से इक्वेशन नंबर टू माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो वन हमारे साथ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे साथ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे साथ प्लस हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हमारे साथ सी हमारे साथ ओ सी के बराबर है, तो हमारे साथ आ जाएगा ओ सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं c माइनस ए इनटू c प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो c माइनस ए इनटू c प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर मैं इसको c प्लस ए को अगर मैं टू से डिवाइड कर लूं, ठीक है, इधर भी टू से डिवाइड कर लूं, तो मेरे साथ आ जाएगा c माइनस ए इनटू c प्लस ए डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सी सी माइनस ए हमारे साथ क्या है, इधर मैंने लिखा है सी माइनस ए हमारे साथ, ठीक है, ये हमारे साथ ए सी के बराबर है, ठीक है। सी माइनस ए हमारे साथ ये सी ए हमारे साथ ये सी माइनस ए है, ठीक है। सी माइनस ए हमारे साथ ए सी के बराबर है, अवर डॉट सी प्लस ए डिवाइड बाई टू, ये हमारे साथ ओ एफ के बराबर है, सी प्लस ए डिवाइड बाई टू, तो ये हमारे साथ ओ एफ के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए सी AC और OF perpendicular. It means that OF is perpendicular on AC. ठीक है? जब OF भी AC पर perpendicular है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों bisector हमारे साथ concurrent है. तो इधर मिलता है so perpendicular bisector of a triangle are
काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 3.3 हमारे साथ ख़त्म हो गया।